देखो तो क्वेश्चन नंबर वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द उड़ीसा गर्जार स्टेट पीपल एसोसिएशन वाज कन्वेंट। तो फ्रेंड्स उड़ीसा गर्जार स्टेट पीपल्स एसोसिएशन रो प्रथम सेशनटा क्यों मसीहार होता भेरी गुड 1931 रे हेड किए थे जैक आप प्रेसीडेट किए थे यार यही सेसन फर्स्ट सेसन प्रेसीडेट किए थे भुवनानंद दास किए थे भुवनानंद दास ले प्रेसिडेंट बुझीपारे ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्वड इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रेंड्स क्यों व्यक्ति जनक फ्रीडम स्ट्रगल सहित जड़ित नुहंती आदिकांड जो देखी पाइक रिवेलियन सहित जड़ित थे पाइक रिवेलियन सहित जड़ित थे सेपरी गोदावरी मिश्र ये जेकि स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट से जड़ित थे गोदावरी मिश्र सेपरी लोकनाथ मिश्र ये जिकि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट सहित जड़ित थे किंतु विश्वनाथ पीड़ा जैक जड़ित नथिले ऑप्शन नंबर बी जीव करेक्ट आंसर नॉट इन्वॉल्व जैक विश्वनाथ पीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 इन व्हिच ईयर उड़ीसी डांस वाज एकोडेड क्लासिकल स्टेटस। तो फ्रेंड्स क्यों वर्ष उड़ीसी डांस को क्लासिकल स्टेटस रो मान्यता मिलतिला कोड आंसर वेरी गुड 1964 रे ओडिसी डांस को क्लासिकल डांस रो मान्यता मिलतिला जाकि शास्त्रीय नृत्य रो मान्यता मिलला 1964 रे केलुचरण महापात्र सोनाल मानसिंह दुई जन जाकि ओडिसी नृत्य रो फेमस जाकि नृत्यकार के केलुचरण महापात्र एवं सोनाल मानसिंह ओडिसी नृत्यकार फेमस ओडिसी नृत्यकार एमानकर उपरे जाकी क्वेश्चन आसताय तो ए जगह रे 1964 ए हिजबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा अनेक इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 मैच कलम फर्स्ट विथ कलम सेकंड। देखंतु एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी केबे हितला वेरी गुड 1943 रे फॉर्मेशन ऑफ भुवनेश्वर भुवनेश्वर केबे गठन करा जितला वेरी गुड 1948 रे कंस्ट्रक्शन ऑफ हीराकुद डैम हीराकुद डैम कंस्ट्रक्शन रा केबे करा जितला एटा करा जितला 1957 रे कहा द्वारा इनॉग्रेट के कतले जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेट कतले कंस्ट्रक्शन ऑफ हीराकुद डैम इनॉग्रेट कतले जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स यार लेंथ केते जाके एग्जाम आसता है हीराकुद डैम लेंथ केते 4.8 किलोमीटर। फर्स्ट इलेक्शन इन उड़ीसा केबे थिला 1937 रे एटा स्वाधीनता पूर्वरु 1937 रे हेतला किंतु स्वाधीनता परे पोस्ट इंडिपेंडेंस परे जाकि 1952 रे हेतला उड़ीसा रो फर्स्ट इलेक्शन बुझी पारले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 70 व्हेन इज भुवनेश्वर फाउंडेशन डे ऑब्जर्व इन उड़ीसा एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स उड़ीसा रे प्रतिवर्ष भुवनेश्वर फाउंडेशन डेटा केबे ऑब्जर्व करा जाय एप्रिल 13 डी हिजबो करेक्ट आंसर भुवनेश्वर टा केबे फाउंड करा गला जाय फाउंडेड करा गला 1948 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉडर्न सिटी ऑफ भुवनेश्वर वाज डिजाइंड बाय। तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर को के डिजाइन करथले वेरी गुड ओटो कनिसबर्गर सेपरी ले कॉर्बुसियर ए कौन डिजाइन करथले ए चंडीगढ़ को डिजाइन करथले नॉर्मन फोस्टर जी की आंध्र प्रदेश रो कैपिटल अमरावती अमरावती को डिजाइन करथले नॉर्मन फोस्टर। तो आमको मागे भुवनेश्वर को के डिजाइन करथले ओटो कनिसबर्गर भुवनेश्वर को डिजाइन करथले ऑप्शन नंबर सी हिजबो राइट आंसर बुझिपारे ए की ए होती जर्मन आर्किटेक्चर ओटो कनिसबर्गर सी हिजबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 बिफोर जॉइनिंग द मेन स्ट्रीम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गोपबंधु चौधरी। तो फ्रेंड्स गोपबंधु चौधरी फ्रीडम स्ट्रगल रे जोग देवा पूर्वरु तांकर प्रोफेशन टा कोन थिला से के वृत्ति रे थिले से थिले जने डेपुटी कलेक्टर सी इज द करेक्ट आंसर। स्वाधीनता संग्राम रे जोग देवा पूर्वरु गोपबंधु चौधरी जने डेपुटी कलेक्टर थिले ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बुझिपारे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। हु आर द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फ्रेंड्स ओडिशा विधानसभा रे की क्यों वुमेन जनक फर्स्ट टाइम पे इलेक्टेड हेतिले तो कोड आंसर वेरी गुड सरला देवी
ये हो राइट आंसर। ये होती फास्ट उड़ीसा लेजिस्लेटिव रे फास्ट उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली रो फास्ट वुमेन जी सिलेक्ट होते। तो फ्रेंड्स ये होती फास्ट फीमेल स्पीकर मध्य फास्ट फीमेल स्पीकर मध्य किए सारा देवी बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 हु वाज द फास्ट टू इंट्रोड्यूस पिलग्रिमेज टैक्स इन उड़ीसा। हु वाज द फास्ट टू इंट्रोड्यूस पिलग्रिमेज टैक्स इन उड़ीसा जहाँ कि तीर्थ कर तीर्थयात्री मानू आदाय कर। तो क्यों मैंने एक मराठा मैंने मराठा मैंने प्रथम ये तीर्थकर को लागू करते जो तीर्थयात्री मैंने आसते जगन्नाथ टेम्पल को जगन्नाथ टेम्पल को आसवा तीर्थयात्री मानू ये तीर्थकर जैसे टैक्स ये तीर्थकर आदाय करते मराठा मैंने ऑप्शन नंबर ए जीव जगह करेक्ट आंसर बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज सोमतीर्थ इन उड़ीसा। उड़ीसा रे क्यों एरिया को सोमतीर्थ नाम परिचित रानीपुर झरियाल क्यों डिस्ट्रिक्ट बलांगीर डिस्ट्रिक्ट बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रानीपुर झरियाल को कहा जाता है सोमतीर्थ। पुरी को कौन कहा जाए पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी को कहा जाए पुरुषोत्तम क्षेत्र से पुरी कपिलास ये क्यों डिस्ट्रिक्ट कपिलास रही आप ढेंकानाल से परी गुप्तेश्वर क्यों गुप्तेश्वर रही कोरापुट रे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 व्हिच रॉक इज यूज टू बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल बा ब्लैक पैगोडा एटा निर्माण रे एटा तैयारी रे क्यों पत्थर यूज कर खंडा लाइट डी हो राइट आंसर। खंडा लाइट पत्थर यूज कर बुझिपारे ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क सन टेम्पल आउ गोटे आता है आपण को ह्वाइट पगोड़ा कौटा जगन्नाथ टेम्पल पुरीर जगन्नाथ टेम्पल हो ह्वाइट पगोड़ा आउ गोटे आते क्वेश्चन जहाँ कि पीस पगोड़ा कौटा धौली धौली हूँ पीस पगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 हु टुक एवे द इमेज अफ जीन फ्रम कलिंग। तो फ्रेंड्स कलिंग रु इमेज अफ जीन जीनकर इमेजटा किए नहीं जाते महापद्मानंद महापद्मानंद इमेज अफ जीन नहीं जाते कलिंग रु ऑप्शन नंबर बी हो जगह राइट आंसर बुझिपारे। महापद्मानंद ये किए फाउंडर अफ नंद डायनेस्टी फाउंडर अफ नंद डायनेस्टी नंदवंशर फाउंडर होती महापद्मानंद पुणी यही जीन को इमेज अफ जीन को खारवेल रिटर्न करके आनी फेर आनी खारवेल बुझिपारे कलिंग को पुणी थे फेर आनी खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेयर ईस्ट इंडिया कंपनी फास्ट सेटअप देयर फैक्ट्री इन उड़ीसा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स उड़ीसा रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जगह फास्ट फैक्ट्रीटा सेटअप करते हरिहरपुर बर्तमान जगत सिंहपुर से टाइम हरिहरपुर बर्तमान जगत सिंहपुर ये जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजर सेटअप फास्ट सेटअपटा तैयारी करते हरिहरपुर ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। इंडिया से फास्ट क्यों जगह सूरत रे। क्वेश्चन नंबर 79 हु आर द फास्ट यूरोपियंस टू मेक देयर सेटलमेंट इन उड़ीसा। तो फ्रेंड्स उड़ीसा रे क्यों यूरोपियन मैंने निजर फास्ट सेटलमेंट करते कौटा आंसर पर्तुगीज ये करेक्ट आंसर। उड़ीसा क्यों जगार पिपिली रे उड़ीसा मैंने पर्तुगीज मैंने आसिक बसती स्थापन करते फास्ट टाइम उड़ीसा रे पिपिली नामक स्थान रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 हु वाज द कोट पोएट ऑफ किंग नरसिंह देव। तो फ्रेंड्स नरसिंह देवंकर कोट पोएट किए कोट ऑफ आंसर वेरी गुड विद्याधर होती नरसिंह देवकर कोट पोएट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पीडीएफ ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ क्यों जारी पाए आम जो टेलीग्राम ग्रुप रही अच्छे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन जीवे पीडीएफ टी पाइबे। देखते क्वेश्चन नंबर 1 द फेमस संस्कृत ड्रामा परशुराम विजय वाज रिटन बाय हुम। द फेमस संस्कृत ड्रामा परशुराम विजय वाज रिटन बाय हुम। तो फ्रेंड्स परशुराम विजय जहाँ कि गोटे संस्कृत ड्रामा यटा को किए लिखी यटा को लिखी कपिलेन्द्र देव ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर
ବୁଝିପାରିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ କିଏ ଥିଲେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ? ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ ଏଇ କବି ଜଣକ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ସାରଳା ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ। ଏଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କିଏ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ସାଂସ୍କୃତ ଡ୍ରାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 82, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ରୁଲର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ରୁଲର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ରୁଲର କିଏ? ତ କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜାଗାରେ ସୁଲେମାନ କରଣୀ। କିଏ? ସୁଲେମାନ କରଣୀ, ଯିଏକି 1568ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ତାର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? କଲାପାହାଡ଼। ଏହାର ସେନାପତି ଥିଲା କଲାପାହାଡ଼, ଯିଏକି 1568ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ରୁଲର ଓଡ଼ିଶାର, ସୁଲେମାନ କରଣୀ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 83, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଲିକି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଜାଗାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ କବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟାସ କବିର ଉପାଧି ମିଳିଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଫେମସ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ମାମୁଁ, ଲଛମା, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ରେବତୀ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରମୁଖ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ। ମାମୁଁ, ଲଛମା, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ରେବତୀ, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଆମକୁ ମାଗିଛି ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦିକବି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ, ରାଧାନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ କବିବର। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 84, ହୁ ଗଟ୍ ଭୂମିପୁତ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ଭୂମିପୁତ୍ର ଟାଇଟଲ୍, ଯାହାକି ଭୂମିପୁତ୍ର ସମ୍ମାନ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼, ଭୂମିପୁତ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ପାଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇଟା ପାଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଯାହାକି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 85, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1944। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1944ରେ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ଼, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1944। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେକେଣ୍ଡ ସିଏମ୍ କିଏ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଏମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 86, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ତିନୋଟି ଯାହାକି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ରହିଥିଲା, କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁଟା? ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ। ତ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏ ବଙ୍ଗଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା ହେଲେ, ଏ ବେଙ୍ଗଲ ଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା ହେଲେ? 1912ରେ, 1912ରେ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ବେଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବା ଜାଗାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେପରି 1936ରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାଟା ବିହାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା, 1936 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଏ ବିହାରଟା, ଏ ଓଡ଼ିଶାଟା ବିହାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ମାଗିଛି ବେଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ଏ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଅଲଗା ହେଲେ, ଯାହାକି 1912। ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କେଉଁଟା? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ଯାହାକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1866ରେ। ଏ ଜାଗାରେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 88, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଡେଲି ପବ୍ଲିଶ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା? ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଡେଲି ପବ୍ଲିଶ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ
डेली इंग्लिश न्यूजपेपर के उठा वेरी गुड द न्यू ओडिशा ऑप्शन नंबर डी हिजब राइट आंसर एवं इंडिया फास्ट न्यूजपेपर बेंगल गेजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हु फॉर्म द उत्कल यंग वुमेन्स एसोसिएशन इन 1903 हु फॉर्म द उत्कल यंग वुमेन एसोसिएशन इन 1903 तो फ्रेंड्स 1903 किए उत्कल यंग वुमेन एसोसिएशनटा गठन करते कौटा आंसर वेरी गुड उत्तर हो शैलबाला दास सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार एग्जाम रिपीट होची हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय इन उड़ीसा तो फ्रेंड्स सत्यवादी वन विद्यालय फाउंडर किए गोपबंधु दास के फाउंड करते 1909 सत्यवादी वन विद्यालय जहाँकि गोपबंधु दास द्वारा फाउंड कर प्रतिष्ठा ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 ओडिशा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पॉलिटिकल डिविजन्स अंडर मराठास एडमिनिस्ट्रेशन तो फ्रेंड्स मराठा मानक शासन समय ओडिशा को केते गोटी पॉलिटिकल डिविजन रे भाग करा जितला जाके दुई गोटी कौन गोटी आपण को मुगल एरिया आ गोटी गड़जात एरिया दुई गोटी पॉलिटिकल डिविजन रे भाग कर ऑप्शन नंबर सी हिजब करेक्ट आंसर बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 इन ह्विच इयर अरुण स्तंभ ब्रॉड फ्रॉम कोणार्क टू पुरी इन ह्विच इयर अरुण स्तंभ ब्रॉड फ्रॉम कोणार्क टू पुरी तो फ्रेंड्स कोणार्क रु पुरी को क्यों वर्ष क्यों सेंचुरी अरुण स्तंभ को अणा जाता कौटा हम 18th सेंचुरी सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट 93 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गंगा डायनेस्टी किंग फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जगन्नाथपुरी टेम्पल इन 1174 एडी तो फ्रेंड्स 1174 एडी क्यों गंग रूलर जहाँकि जगन्नाथपुरी टेम्पल कंस्ट्रक्शन कामटा शेष करते कौटा आंसर उत्तर जीव अनंग भीमदेव स्टार्ट किए करते क्यों किंगटा स्टार्ट करते जब देखी स्टार्ट करते अनंत बर्मन चूड़गंगादेव एंड करते अनंग बम भीमदेव अनंग भीमदेव ऑप्शन नंबर बी हिजब जगह करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 हु लीड द घुमसा रिवेलियन इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 हु लीड द घुमसा रिवेलियन ऑफ 1835 तो फ्रेंड्स 1835 मसीहार घुमसर विद्रोह नेतृत्व किए घुमसर विद्रोह नेतृत्व किए तो 1835 मसीहार ये घुमसर विद्रोह नेतृत्व नहीं डोरा बिशोई कि डोरा बिशोई एवं फ्रेंड्स जिते बेले डोरा बिशोई को आरेस्ट करागला यहाँ नेतृत्व ने चकरा बिशोई बुझिपारे तो घुमस रेबेलियन जहाँकि नेतृत्व नहीं डोरा बिशोई ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। खोर्धा रेबेलियन के एग्जाम आसता है 1804 खोर्धा विद्रोह पाइक विद्रोह के 1817 पाइक विद्रोह एवं 1835 जहाँकि घुमुसर विद्रोह सेपरी सिपाही विद्रोह बक्सार युद्ध केवे आमको कमेंट बक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 इन ह्विच इयर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड गंजाम ओडिशा तो फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी केवे गंजाम को अख्तियार नहीं था 1768 ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर 1768 ईस्ट इंडिया कंपनी गंजाम को ऑक्युपाइड करथिला बुझिपारे से जो देखिए पूरी कटक एवं बालेश्वर को के 1803 ऑक्युपाइड करथिला तो ये जगह आमको मांगे क्यों वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनीटा ऑक्युपाइड करथिले गंजाम को 1768 हिजबो करेक्ट आंसर बुझिपारे ऑप्शन नंबर बी हिजबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 96 हु गेव द टाइटल कविचंद्र टू कालीचरण पटनायक तो फ्रेंड्स कविचंद्र उपाधि कालीचरण पटनायक को किए देते कौटा आंसर उत्तर जीव रामचंद्र देव ये जीव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 ओडिशी डांसर इन जगन्नाथ टेम्पल आर कॉल्ड एज महर्षि बी हिजब राइट आंसर। नेक्स्ट इन ह्विच इयर वंदे उत्कल जननी वाज एडप्टेड एज द ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिशा तो फ्रेंड्स वंदे उत्कल जननी सॉन्ग को केवे ओडिशार स्टेट सॉन्ग भाव में ग्रहण करा जितला कोटा आंसर 2020 2020 डी हिजबो करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट 99, उत्कल सम्मेलनी वाज फाउंडेड बाय डेक्स। तो फ्रेंड्स उत्कल सम्मेलनी को किए फाउंड करते कौट हम आंसर उत्तर जीव जगह मधुसूदन दास बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा अनेक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखु ये कौन था द फास्ट सेसन अफ उत्कल यूनियन कन्फरेन्स उत्कल सम्मेलन हेल्ड एट डेक्स। तो फ्रेंड्स उत्कल सम्मेलन फास्ट सेसनटा क्यों जगह होता क्वेश्चन नंबर 100 रनसर आमको कमेंट बक्स बताए। यहीटा हूँ जिके क्लास नंबर 6 यहाँ पूर्व आम पांच गोटी क्लास करा सहित फ्रेंड्स मैथ्रे छोटी क्लास करलीस्ट लिंक अच्छी जैक देखने एवं फ्रेंड्स यार पीडीएफ आम जो टेलीग्राम ग्रुप रही टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन जीवे पीडीएफ टी पाइबे और जदि आपको भिडियो हेल्प लगे क्वेश्चन जो आपको भल लगुच निहांती भाव वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स मत सेयर कर दिंतु। जय हिंद वंदे मातरम।